अंजलि मोइत्रा। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मसूद अजहर के इशारे पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिदायीन हमला किया और फिर भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से पाकिस्तान जैसे बौखला सा गया था। इसी बौखलाहट में उसने अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को LOC पर घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका भारत की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस एयर कॉम्बैट में पाकिस्तान ने जहां F-16 जैसे आधुनिक फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, तो वहीं भारतीय वायुसेना के जवानों ने MiG-21 फाइटर जेट से पाकिस्तान का सामना किया। इस एयर कॉम्बैट में एयर विंग कमांडर अभिनंदन ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुराने हो चुके MiG-21 से ही अमेरिकन मेड F-16 को मार गिराया, जिससे पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। इस एयर कॉम्बैट में धराशायी हुआ F-16 एयरक्राफ्ट एक तरह से अमेरिका के लिए रूस से हार की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो F-16 इस्तेमाल करता है वो अमेरिकन मेड है, और इंडियन एयरफोर्स जिस MiG-21 फाइटर जेट से F-16 को मार गिराया वो रशियन मेड है। दशकों पुराना होने के बावजूद MiG-21 बाइसन ने काफी ताकतवर F-16 को ढेर कर दिया, जो ये बताता है कि रशियन मेड फाइटर जेट अमेरिका के फाइटर जेट से ताकत के मामले में कितना आगे है। रशियन मिसाइल डिफेंस फोर्स रिटायर्ड कर्नल मिखाइल खुडानोक के मुताबिक भले ही ये दोनों फाइटर जेट अलग अलग जनरेशन के हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि MiG-21 F-16 को ढेर नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास मौजूद अमेरिकन मेड F-16 और भारत के पास मौजूद रशियन मेड MiG-21 फाइटर जेट्स की ताकत की बात करें तो MiG-21 बाइसन मेड इन रशिया, साल 2006 में 110 MiG-21 जेट विमानों को अपग्रेड किया गया था। इस अपग्रेडेशन में इसे और शक्तिशाली बनाते हुए मल्टी मोड रडार और बेहतर संचार प्रणाली के साथ बेहतर विमान बनाया गया। इसकी मारक क्षमता भी पहले से ज्यादा अपग्रेड की गई। विमान में R-73 आर्चर शॉर्ट रेंज और R-77 मीडियम रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस होने के बाद इसकी हवा से हवा में मारक क्षमता में भी प्रभावशाली तरीके से काफी सुधार किया गया। MiG-21 बाइसन पायलटों की हेलमेट माउंटेड साइट भी अपग्रेड की गई, जो कि अब मिराज 2000 जैसे अन्य अपग्रेडेड जेट के पायलट पहनते हैं। MiG-21 सोवियत रूस का बनाया हुआ लड़ाकू विमान है, जिसकी मारक क्षमता 1470 किलोमीटर है। MiG-21 विमान साल 1972 में पहली बार सेवा में आया, तब से मिग में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ये फाइटर प्लेन बड़ी तादाद में एक साथ गोला बारूद साथ ले जाने में सक्षम है। MiG-21 बाइसन के बाई ओर कॉकपिट से गोलियां बरसाने की व्यवस्था की गई है। एक बार में ये फाइटर प्लेन लगभग 420 राउंड एक साथ ले जा सकता है। MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन हवा से हवा में मिसाइलों को मार गिराने के अलावा जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है। MiG-21 बाइसन में केमिकल और क्लस्टर बम ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। MiG-21 करीब 1000 किलो तक के वजन वाले कई तरह के बम भी अपने साथ ले जा सकता है। F-16 मेड इन अमेरिका। F-16 अमेरिका द्वारा निर्मित चौथी जनरेशन का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। F-16 फाइटर जेट की रफ्तार 2150 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें रडार ऑन बोर्ड भी होता है। इसकी लंबाई 15.06 मीटर और वजन 8570 किलोग्राम है। ये एक इंजन वाला सुपरसोनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। उम्दा GPS नेविगेशन भी F-16 की खासियत है। F-16 रॉकेट हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये हवा से सतह और हवा से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल के साथ साथ कई तरह के बम से लैस है। इस विमान में एडवांस स्नाइपर टारगेटिंग पॉड भी है। किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम इसमें फ्रेमलेस बबल कैनोपी है, जिसे देखने में सुविधा होती है। सीटें 30 डिग्री पर मुड़ी है, जिससे पायलट को जी फोर्स की अनुभूति कम होती है। आपको बता दें, 27 फरवरी को हुए एयर कॉम्बैट में पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था, जो पाकिस्तान को इस शर्त पर दिया गया था कि इसका इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार F-16 के इस्तेमाल किए जाने से इनकार कर रहा है, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया। भारत की ओर से अमेरिका को सबूत भी सौंप दिए गए हैं। Of 1965 and 1971 have been important milestones. During 1965 Indo-Pak War, a large number of flying instructors and technical personnel
were dispatched to operational units, which they served with great distinction, along with young fighter pilots who have been trained at this station. As you are aware, Squadron of Davao of this station was conferred with the prestigious Mahavir Chakra posthumously in 1988 for displaying great valor during the 1965 war, in which, in flying a vintage Mystair aircraft, he shot down a star fighter. Something similar has happened in the past few days. During 1971 war, an operational squadron of Vampire aircraft was raised using own resources in record time and was operated as a forward base in Western sector and undertook numerous interdiction missions and provided close air support to our ground forces. Vampire was in record time was modified for night operations, and it goes to the credit of those daring pilots who carried out numerous counter-surface war operations by night. They left their footprints at Kanganpur, Kulmokai, Patoki, Changamanga, Firozpur, Fazilka, to name a few. In both the wars, several personnel from the station were decorated with gallantry awards. The helicopter training school at the station has been actively involved in undertaking numerous disaster relief operations and rendering aid to civil authorities in various parts of the country. Breathtaking missions flying in marginal weather and extricating medical casualties while hovering above rooftops, including the recent floods that happened, unfortunately, in the state of Kerala. The 5 base repair depot was formed on 1st April 1966 to overhaul the Nats, the famous saber slayers of yesteryears. Thereafter, the Indian Air Force trainer Kiran was overhauled here. At that particular time, I have also paid visits to drop aircraft for overhaul to the 5 BRD in Sulur. Now it is overhauling the legacy Avros and Dorniers at this depot. They have taken numerous innovative measures to promote self-reliance, which has been hailed at the national level. The depot has achieved dual certification of quality management system ISO 9001-2015 and environmental management system ISO 14001-2015, as well as Design House approval in their committed pursuit of excellence. 5 BRD has shown as a center of excellence in the field of testers. Over the years, 5 BRD has grown by leaps and bounds to be a formidable depot with multi-spectrum capability, maintaining a very high degree of operational preparedness at all times. We also, for this color presentation, have got veterans from both Air Force Station Hakimpet and 5 BRD who have joined us. And I am sure they must be very proud that their units have received colors from the Honorable President of India today, and which will be an inspiration to all the air warriors who join this establishment from now in the years in the future. I am confident that both these stations will contribute and towards the capability of the Indian Air Force and will remain at the cutting edge of our nation's mighty fighting force. I congratulate both Air Force Station Hakimpet and 5 Base Repair Depot for their contribution in the past and in the present, and the recognition given to them by the Honorable President of India in the presentation of colors today morning. Thank you and Jai Hind. Yes, from Indian Express. Good afternoon, sir. Can you just explain why MiG-21 Bison used for the dogfight for a highly... Why? MiG-21 Bison is in our inventory. Why you don't use it? No, just I need the explanation for me. Because some news is going in the social media, sir, that F-16 is ultra-modern, all latest built in latest technology, whereas MiG-21 Bison is an old aircraft. I will not comment on the ongoing operations because they are still ongoing, but MiG-21 Bison is capable, it has been upgraded, it is not the old MiG-21 bis. It's got a better weapon system, it's got better radars, better air-to-air missiles, a radar warning receiver, shaft flares, whatever it takes to make it, from third generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. Yeah, and remember, the initiative is with the adversary. Times of India.
How is Wing Commander Abhinandan self? How he was treated by Pakistani army, and are we going to allow him to fly again? Whether he flies again or no depends on his medical fitness. That's why post ejection he has undergone a medical check. Thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit.